भाई यहाँ मैं स्लाइडिंग ले रही हूँ, कभी भी डर लग रहा है गिरने का मसला होगा। यूसुफ तुम्हारी मम्मा स्लाइडिंग पे बैठ गई तुम्हारी। आज के व्लॉग में काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, काफी टिकटॉकर्स आ रहे हैं हमारे घर में। कीमा, निहारी, पुलाव, ये तीनों इनका फेवरेट है, तो आज वो पक रहा है। और आपकी प्याज जली जली। ये देखिए कबीर, बैंक बैलेंस दो मुझे। कबीर मेरा बैंक है, मेरे को भी तो दुआ दे दो नानी। आपकी नानी कितनी उम्र की है वो भी मुझे बताएगा। मेरी नानी की उम्र है, मैं नहीं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, स्लो छोटी ब्लॉग में खुश आमदीद। आप लोग परेशान हो गए होंगे कि मैं स्लाइडिंग पर कैसे। आप लोग पहले तो ये तो बताया, उम्मीद करते हो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और नाजरीन, ये लोग आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे ये डेंजर है, पीछे खिड़की है, तो जब मैं खड़ी हूँ मैं नहीं झांक पा रही तो बच्चे कैसे झांक पाएंगे। बच्चे तो मेरे से भी छोटे हैं, परेशान नहीं हुआ करें, आपकी बहन ख्याल करती है बच्चों का। तो भाई यहाँ मैं स्लाइडिंग ले रही हूँ और मैं भी आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं कभी मुझे पकड़ना, कभी भी डर लग रहा है गिरूंगी तो नहीं। टूटने का मसला नहीं है, गिरने का मसला होगा। मुझे गोद में ले लेना तुम, सही है। मैं ले रही स्लाइडिंग, कैसा लगेगा मम्मा? तुम्हारे यूसुफ तुम्हारी मम्मा स्लाइडिंग पे बैठ गई तुम्हारी। सही है, बैठो चलो। कमर मेरी गई, मजा आया दोबारा पकड़ना। कभी एक और दवा लेती हूँ, एक और दवा, मजा आ रहा है। अबे मैं तो समझ गई टूट जाएगी। ये देखो मुझे सपोर्ट करी हुई है कबीर ने, पकड़ा हुआ है। देखो कितना ख्याल करते हैं कि मैं गिरूं नहीं, हैं इसलिए करे हुए हैं। गिर जाऊं, हटो हटो पीछे, हट जाओ, गिर जाऊं, आंखें बंद क्या रहे। अच्छा जी नाज़रीन, आज के ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा मैं अच्छे तैयार हो गई हूँ, अब मैं थोड़ा बच्चों को नहलाऊंगी, बच्चों को भी तैयार करूंगी, कपड़े पहनाऊंगी इनको, क्योंकि आज के व्लॉग में फेमस यूट्यूबर, काफी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, काफी टिकटॉकर्स आ रहे हैं हमारे घर में, और उनका लिए स्पेशल खाना भी बन रहा है। और स्पेशल खाना ये है, उनका फेवरेट खाना है, उनका फेवरेट खाना है कीमा, निहारी, पुलाव, ये तीनों इनका फेवरेट है, तो आज वो पक रहा है हमारे घर में। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट है फेमस यूट्यूबर, उनसे मिलवाएंगे, गपशप करेंगे, फिर चलेंगे हमारे प्यारे से किचन में। किचन में आपको दिखाएंगे मजेदार खाने। ये कौन लाया है? तुम लाए? कैसी लाए हो? फटी हुई लाए हो? एक कैप खोली थी, ये कैप खराब निकली, गलत खोल दी थी मैंने। चलो भाई अब पकाने जा रहे हैं हम निहारी। गोश्त यहाँ पे देखे सही से धो लिया और नली भी लिए। अब डालते हैं हम इसके अंदर पहले गोश्त। यहाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत से हम जो है निहारी का गोश्त डालने जा रहे हैं। ओए होए होए, दिल को लगती है, मेरे दिल को छूती है, अब बनेगा मजेदार खाना। बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक बरकत देगा, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। यहाँ मैंने निहारी का गोश्त चढ़ा दिया और ये गोश्त मैंने लिया रान का। इसके अंदर जाएगा ये हमारा अदरक लहसुन, मैंने पीसा था, आधा बढ़नी में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, और जो मशीन के अंदर था पड़ा हुआ वो उसके अंदर है। और हम डालने जा रहे हैं निहारी का शाशा। गोश्त को हमने अकोड़ लिया, अकोड़ने के बाद अदरक लहसुन डाल दिया, अब ये शाशा डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम बारी है पानी डालने की। आज देखिए, देखिए हमारा अदरक लहसुन भी जाया नहीं हुआ, पानी का पानी भी आ गया। ये हमारी 2 घंटे में बन जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह निहारी में खौल आ गया है। और ये वाला सीन किस किस को अच्छा लगता है? मुझे तो बड़ा सीन अच्छा लगता है जब ये खौल आता है। अब इसकी हल्की आंच करेंगे। ये देखिए निहारी हमारी खौल आ गया। अब इसको हम हल्की आंच में रख के इसको खूब पकाएंगे, खूब पकाएंगे, खूब पकाएंगे, इतना पको, इतना पको, इतना पको, इतना पको कि हड्डियां भी गल जाओ। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ देखिए निहारी के लिए ये लवाजमा जरूरी है, अदरक, लीमू, पुदीना ये रहा और धनिया ये रहा, क्योंकि जगह स्पेस कम थी। और ये बड़ी वाली मिर्चें जो निहारी में खाई जाती हैं, क्योंकि ये जो इससे देखिए फीकी होती है ना, मज़ा आता है खाने में। किस किस को मज़ा आता है निहारी के साथ ये डाल के खाने में, जल्दी कमेंट में बताएं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे सब अच्छा लगता है, धनिया भी, पुदीना भी, अदरक भी, सब अच्छा लगता है मुझे। निहारी का मसाला तैयार हो गया, निहारी पक रही है, और ये इसका ऊपर का जो लवाजमा गार्निशिंग करने का मसाला तैयार हो गया। आगे प्रोसेस दिखाते हैं कीमे का, कीमा कैसे तैयार कर रहे हो आपको पता। मतलब टाइम की बचत, टाइम बच जाता है, और आपकी प्याज जल्दी जल्दी स्लाइसर में हो जाएगी। देखिए कितनी बारीक है, अब इसको और बारीक करूँगी तो और बारीक हो जाएगी। मेहमान बस थोड़ी देर में आएंगे और इसके बाद हम कीमा बताते हैं, तो मैं जब तक प्याज काट रही हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया,
अब जो है, अब जो दूसरा प्रोसेस वो ये है, इसके अंदर जो है हम जो है आटा मिलाएंगे, क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल ही गल चुका है, हड्डी भी गल चुकी है, आटा हमने घोल दिया है। गुठली ना है, गुठली बिल्कुल ना है, गुठली आएगी तो आपके डेले डेले बन जाएंगे निहारी में। तो ये देखे ऑल आ जाए तो उसके अंदर हम ये डालेंगे बिल्कुल। यूसुफ को दिखाओ भाई, यूसुफ क्या हुआ तेरा? यूसुफ रो रहा है, यूसुफ कह रहा है मुझे पाकोला जूस पीना है। अभी मैंने मंगवाया है बेटा, पाकोला जूस बहुत शौक से पीता है। यहाँ मैंने कीमा तैयार कर लिया है, कीमा ये हाथ का है, धो दिया इसको और ये प्याज काट दी है। अब इसके बाद हम कीमा बनाएंगे। आपने जो है आटा डाल लाना है, अगर आपको नजर आ रहा हो थोड़ा ये पक जाएगा, फिर हम इसका बगाड़ लगाएंगे। बगाड़ लगाएंगे प्याज और हमारा निहारी का थोड़ा सा मसाला बचा हुआ होगा वो मिलाकर इसका बगाड़ लगाएंगे। निहारी हमारी तैयार। लाजी ये देखेंगे मेरा प्याज ब्राउन हो गया, फिर थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो मसाला लगाने के ये हमने बगाड़ लगा दिया। ऑलमोस्ट रेडी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले सब भाई मिलकर। तो चखलू मैंने हरी ये कलेजी तैयार हो रही है प्याज और इसके बाद आता गरम मसाला, जीरा जाएगा, काली मिर्ची, दो इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। प्याज थोड़ी ब्राउन हो जाए, ये देखे कलेजी मेरी बच्चे की कलेजी ली है मैंने। अच्छा आज ब्लॉग में फारूक भी आज मेहमान बनकर आ रहा है, क्योंकि फारूक और जो जितनी भी टीम है, क्योंकि फारूक भी यूट्यूबर है और क्या नाम है, और जितने यूट्यूबर है उनके साथ वो भी आ रहे हैं फारूक भी, क्योंकि फारूक भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी आज मेरे घर में दावत है। मेरा पार्टनर तो यही है और लेकिन एक यूट्यूबर भी, उसका भी अपना चैनल है रियल फारूक के नाम से। तो आपकी मेरी वीडियो आप नजर आ रही होंगी आपको उसमें भी। अगर आपके पास मशीन जैसे कि लाइट नहीं है आपके पास, आप टमाटर कैसे पीसेंगे, तो आपने क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं करना, यार टमाटर ऐसे रख देना है, ये मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। और जब ये इसकी भाप आ जाएगी मतलब ढक्कन ढक देंगे और टमाटर खुद नरम हो जाएंगे और ये छिलका ऊपर आ जाएगा। आपकी लाइट नहीं है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, टमाटर पूरे घुल जाएंगे इसके अंदर आराम से, ये इसके अंदर रख दिया जाएंगे। इसके अंदर ढक्कन ढक देंगे, टमाटर के छिलका छिलका छोड़ देगा, छिलका उतार देंगे, टमाटर कूट लेंगे, इसके अंदर डालेंगे सिर्फ और सिर्फ काली मिर्ची, कुटी मिर्ची और नमक, और आखिर में जाएगी कसूरी मेथी। सबको पता होगा कि कलेजी की जान है कसूरी मेथी, एक चम्मच भर के अदरक लहसुन, तो वही कुटी मिर्ची जाएगी, नमक जाएगा, काली मिर्ची जाएगी, हल्दी जाएगी और आखिर में कसूरी मेथी, हरी मिर्चों से गार्निशिंग करेंगे, बस कलेजी तैयार। देखिए नाज़रीन ये मैंने स्टीम होगा टमाटर ना, अभी आराम से छिलका उतर जाएगा, ये देखिए छिलका कैसे आराम से उतर गया और ये छिलका मुंह में भी नहीं आएगा। आपके घर में लाइट नहीं है तो आप इस तरह करें, आराम से ये हो जाएगा। सुनो भाई किचन में आपको सब सीखने को मिलेगा, सब जिन लड़कियों की शादी होने वाली है भाई, मैंने चैनल इसी वजह से बनाया है अपनी बहनों के लिए कि वो मुझसे सीखे, ठीक है। ये सब टमाटर के छिलके निकल गए, अब ये इसके अंदर जो है सब घुल जाएंगे, एक रह गया। ये देखें नाज़रीन मैंने आपको तरीका बताया, टिप बताई कैसा लगा। अगर आपके घर में लाइट नहीं है, आपको चाहे के मुंह में टमाटर ना आए घुट जाए, तो ये आप बिछा दें और स्ट्रीम ले लें और ये छिलके निकल जाएंगे। कलेजी में कभी भी आप नमक पहले नहीं डालें, आखिर में डालें वरना कलेजी आपकी हार्ड हो जाएगी। यहाँ देखे टमाटर हमारे बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएंगे, अब इसी के अंदर मसाला डालें और इसी पानी में ये पके, मैंने पानी नहीं डाला था। ये गई मेरी एक चम्मच पिसी मिर्ची, ये गई कुटी हुई मिर्ची, ये गया हल्दी, अब इसकी हम थोड़ी फ्राई करेंगे, अब इसको हम पकाएंगे। पकाने के बाद देन फिर इसके अंदर आखिर में डालेंगे कसूरी मेथी और काली मिर्ची पिसी हुई, बस कलेजी हमारी तैयार। अब इसको हम इसी में पकाएंगे, नमक आखिर में डालेंगे, थोड़ा सा मसाले को बढ़ाने के लिए हमने दही डाल दिया थोड़ा सा, ये इसकी हमने कलेजी की बुनाई कर रहे हैं। अच्छा दी देन इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, ज्यादा नहीं। अब एंड में जाएगा नमक, जो हर खाने की जान, इसके बिना तो कुछ नहीं है, ये नमक नहीं होगा तो खाना जहर होता है। अब जाएगी इसके अंदर आखिर में हमारी कसूरी मेथी,
में हमारी कसूरी मेथी चली गई, हम इसको दम के लिए अब छोड़ देंगे। अब होगा इसका दम दमादम। चलिए हमारी रेडी। अब बारी है कटे मसाले का कीमा। नाजी कटे मसाले का कीमा बना है। मैंने प्याज ब्राउन कर दी, मैंने लाल साबुत मिर्ची डाल दी है, इसमें कीमा डाल दिया। ड्राई करेंगे इसके अंदर, अदरक लहसुन डालूंगी, अभी लहसुन कटा हुआ अदरक ही हिसाब जाएगा, गरम मसाला जाएगा, पिसा हुआ कुटी मिर्च जाएंगे, नमक हल्दी। जी नाज़रीन यहाँ पे खड़े मसाले का कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा इसमें दही भी डाल दिया था खटास के लिए। टमाटर डालेगा, लाल साबुत मिर्ची डाली है और साबुत लहसुन अदरक डाल दिया और ये हरी मिर्चें। अब ये हरी मिर्चें जाएंगी आखिर में कट करके, इससे बहुत मज़े का जायका आता है। ये देखें बड़े मज़ेदार सी मक कटे मसाले का मज़ेदार सी भुनाई हो रही है। कलर देखिए कितना अच्छा है। भुनाई होने के बाद इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, ठीक है। और हमारा कीमा तैयार। जी नाज़रीन आज के फर्स्ट यूट्यूबर आ गए हैं रियल फारूक जान, वेलकम वेलकम करते हैं। आ जाए हाँ क्यों नहीं है, आ सकते हैं। आप पहले भी आ चुके हैं, दोबारा अब जो है यूट्यूबर बनकर आ रहे हैं। आज आपके मेहमान बन गए। आज मेरे मेहमान बनकर आए और ये माशाल्लाह टाइम के पाबंद मेहमान है, वक्त से पहले आ जाते। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, बेइज्जती करवा रही है ऑनलाइन ऑनलाइन बेइज्जती जी। अब इसके बाद जो है और भी लोग आ रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ा उनके भी बिजनेस है, बिजनेस बंद करके फिर आएंगे अपने। माशाल्लाह केक बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बस आपको पता है कुकिंग की कैप है, शेफ का लकब है, तो ये मैंने पहन ली और मैंने खाना भी रेडी हो गया। तो आज के फर्स्ट गेस्ट आ चुके हैं, अब और भी आने वाले। अब जहाँ से दम के लिए हम हरी मिर्ची छोड़ रहे हैं, ये देखिए हरी मिर्च हमने इसके अंदर छोड़ दी गई। नाजी ये चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं क्या मुश्किल है इस चूल्हे को, ये चूल्हा नहीं जलता यार। आप लोग कुछ बता दें, कोई टिप बता दें कैसे जलेगा। कचरा भी देखिए, कचरा भी नहीं है इसके अंदर, फिर भी नहीं जलता है चूल्हा। लेकिन आप लोग के लिए हमने बनानी है, क्योंकि आप लोग रोज डे बाय डे इंतजार कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं व्लॉग देखने के लिए, और एंड तक कौन कौन देखता है मेरा व्लॉग वो भी बताइएगा। आखिर में हमारा ये है पिसा हुआ गरम मसाला, दम दे दिया, दम छोड़ दिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो है हम लेमू डालेंगे। प्लेटे सारी धुल गई है और यहाँ रेडी हो गई। मैं ना काम वक्त से पहले करती हूँ, मैं कबीर को कभी कहते हैं अभी नहीं बाद में करना, बाद में करा रहे भाई वक्त से पहले कर दो सारे काम, सब सेट हो जाए, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह इतने शरीर है हमारा। यूसुफ ने आज बहुत तंग किया मुझे, बहुत तंग। सलाम करो सबको। और यहाँ प्लेटें भी धो दी, ट्रे भी धो दी, सारा काम हो गया, रायता बन गया, सलाद बन गया, पुलाव बन गया, कीमा बन गया, कलेजी बन गई, नहरी बन गई। अब बारी है बस मेरे लेटने की, लेकिन लेटूंगी नहीं मैं। अब हिदायत को बोलूंगी अपने कैमरा मैन को जाए वो रोटियां लेकर आए। मेहमान हो आप? नहीं आप मेजबान हो, कोई मेहमान नहीं। अब बस मेरा सारा काम खत्म, अब आपका काम शुरू, क्योंकि अभी वीडियो बनाइए खाली आपने क्या किया है। अभी जाओ रोटियां लेकर आओ और वो लेकर आ जाओ गरम गरम गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हाल आप पैसे दो कबीर, कबीर बैंक बैलेंस दो मुझे, कबीर मेरा बैंक है। रोज मेहमानों की खिदमत करेंगे भाई, अल्लाह ताला बरकत देता है। मेहमानों की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपके घर में रौनक देगा, बरकत देगा, रहमतें देगा, रिस्क बढ़ेगा आपके घर में। तो आप भी इस काम में शामिल हो, नेक काम में शामिल हो, जाए रोटियां लेकर आओ। हिदायत भैया को दो कबीर भाई, पता नहीं वो लोग कब आएंगे, जल्दी से कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है यार, वाकई में बहुत भूख लगी है। क्या हो गया, तुम खाना खाने आए हो यहाँ पे क्या? तो आप इतना जल्दी क्यों बुला लेती हो? जल्दी क्यों बुला लेती हो क्या मतलब है? अबे तो फिर खाना खाएंगे ना सुबह, तो सब मेहमान आएंगे जब सुबह। एक मिनट, मेरी दावत में आने के लिए सुबह से भूखे थे, कुछ नहीं खिलाया घर वालों ने? क्या कुछ नहीं खिलाया, ऐसे ही नहीं भाई टाइम पे मिलेगा खाना, जब शादी में भी तो एक टाइम पे खुलता है ना, अब खुलता है खाना, खुलेगा 10 बजे। अबे भाई मेहमानों को बाद में खिला देना। नहीं नहीं पहले मेहमान, बाद में तुम लोग मेहमानों के साथ बैठोगे। आप मेहमान के साथ आए हो ना, मेहमानों के साथ बुलाया, मेहमान के साथ बैठोगे। दो बजे तक भूल जाए।
आज के जो इस व्लॉग में तो यूट्यूबर तो आ रहे हैं, मेरे घर में दो स्पेशल गेस्ट भी आए हुए, लेकिन मेरी जो खाला है ना वो थोड़ा उनका दिमाग छोटा है, बच्चों वाला है, वो कह रही थी मेरी एंट्री दरवाजे से करना। मैंने कहा अच्छा चलो मैं दरवाजे से एंट्री करती हूँ, इनको आए हुए 2 दिन हो गए। अच्छा मैं बुला रही हूँ अपनी खाला को, मेरी जो सगी खाला है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लाए नहीं तुम, कुछ लाए नहीं यार। देखो बोल, लाइक करो, लाइक करो। मेरे दिदार और ये तो लोग ले जाए। मेरे शौहर को बोलती है मजीद, मेरे को बोलती है चलो बोल, और इनकी जुबान हम भी समझ सकते हैं, बस आप नहीं समझ सकते। तो भाई इनकी मैंने एंट्री करवा ली थी, इन्होंने मुझे कहा मेरी एंट्री करो, मैं तैयार हो रही हूँ। अच्छा मैं अपनी नानी से मिलवाती हूँ, हमारी तो माँ दुनिया से चली गई। मेरी दो खाला है, एक खाला का इंतकाल हो गया जो मेरी कजन है उसमो बाजी उनकी अम्मी, और एक मेरी खाला है छोटी खाला। अच्छा मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया, अब माँ के जगह जो है मेरी नानी है, मेरी माँ की माँ बेटियां चली गई दुनिया से, माँ हमारी यहाँ पर है। नानी कैसे लग रही हो? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ भाई। आज का व्लॉग बना रही थी मैं अपने जो यूट्यूबर मेहमान है उनके लिए बना रही थी, लेकिन मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ अपने जितने भी सब्सक्राइबर है कि मेरी नानी भी है। पता है, दिखा दो, बनाती है, करती है। बस सलाम तो करो सबको, दुआ तो दो सबको जितने भी देख रहे हैं आपको। दुआ देती हूँ देखने वालों को, ये मूवी बनाने वालों को, अल्लाह ताला जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, और जो रोजे रुकदार नहीं है उनको बहुत सारा रोजे रुकदार। मेरे को भी तो दुआ दे दो नानी, तेरे को देती रहती। हाँ मेरे को देती रहती, कहती अल्लाह तुम्हारा घर हो, तुम्हारी गाड़ी हो। मैं अम्मी ये कहता बोलना नहीं आता। तो भाई नानी को आए हुए 2 दिन हो गए मेरे पास, मैंने इनको बुलाया हुआ, अपनी खिदमत कर रही हूँ, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, तो मैंने कहा कि अब नानी को अपने घर पे बुलाया जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया घर लिया हुआ, 2 महीने हो गए नानी नहीं आई थी। तो स्पेशल मैं गई थी नानी को लेने के लिए, क्या मेरे मियाँ हरकतें कर रहे, क्या करेंगे ये, क्या करेंगे, हंसाते रहते मेरी खाला को ना। एक बार और करके दिखाओ, टूटिया तो रात को लेकर आई हूँ नानी को। नानी मजा आ रहा है मेरे घर में? हाँ क्यों नहीं आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा। भाई किस किस की नानी सलामत है जल्दी जल्दी कमेंट में बताए, जिस जिस की नानी सलामत है जल्दी कमेंट में बताए, क्योंकि ये मेरा खून है। चार दुबई जा रहे हैं, औलाद है, बेटियों की औलाद है, ये मेरा खून है, समझे। वो नाज़रीन आप लोग बताएं कि आपकी नानी सलामत है और आपकी नानी भी इसी तरह है, आपकी नानी कितनी उम्र की है वो भी मुझे बताएगा। मेरी नानी की उम्र है, मैं नहीं बताऊंगी। जिसका था इंतजार वो आ चुके हैं, कराची के बहुत फेवरेट टिकटॉकर और यूट्यूबर, आइए तशरीफ को टोकरा लाइए। इसकी क्या जरूरत है, किड्डू को बाग वैसी घर के अंदर मौजूद है ये, आगे आपको पता है। अली रियल अली ये भी यूट्यूबर है, इनके साथ भी आप मेरी वीडियो देखते हैं। ये अलियान खान ये भी बहुत अच्छे यूट्यूबर है, आते जानते हैं मेरे साथ। ये अलिया सर ये भी यूट्यूबर है, और कोई नहीं होगी सारे पर दो औरत एक ही है, ये औरत यहाँ गई, औरत एक ही है। ये क्या हो गया फारूक भाई, क्या नहीं, ये क्या हो गया। और ये मलिक त्यार जो सबको लीड कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं। लीडर सबसे पीछे थोड़ी होता है, सबसे सब मैं तो वो। ये भी यूट्यूबर है, हाथ मिला रहे तो हाथ मिला के छोड़ रहे। थैंक यू सो मच मस्ताना मोमिन। ये मलिक इम्तियाज, मारो नहीं मेरे सब्सक्राइबर को, मुँह छुपा रहा है। ये मकाम ही ऐसा नहीं किया करना जिसमें मुँह छुपाना पड़े। कितने दिन के भूखे हो तुम लोग, जब से दवा सुने में कुछ कहा नहीं है। ऐसा तो मुझे काफी लग रहा भूखा, और ये तो पेट, इसका तो पेट भरा हुआ लग रहा है, पेट टाइट है, ये टाइट हो रहा है। बेटा खुश हो जा, बुला लिया मैंने, एंड टाइम पे बुलाया मैंने।
खाने के बीच में कोई बातें शादी नहीं, क्योंकि भाई भूख बहुत ज्यादा लगी है। खाना फटाफट से स्टार्ट करते हैं और भाई खाना खाते हैं। ये लो चम्मच लेने का और डाल दो रायता उसके अंदर बच्चे। भाई ये जो गुलाब जामुन स्पेशल मैं मंगवाती हूँ जब भी मेरे गेस्ट आते हैं, ये लाल जलेबी हाउस है कराची की मोस्ट फेवरेट ये जलेबी है और बहुत ही अच्छी पाई जाती है, गर्मा गर्म होती है, बंस रोड में मिलती है ये लाल जलेबी हाउस, जबरदस्त और बहुत गर्म होती है और बहुत मजेदार होती है ताजी ताजी गुलाब जामुन। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बंस रोड जाएंगे तो जरूर। ये देखें मलिक साहब लेकर आए हैं घर में आने की खुशी में। नाज़िन यहाँ चाय आ गई है और व्लॉग का एंड भी कर रहे हैं, एंड ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मलिक साहब लाए थे माशाल्लाह मेरे लिए केक स्पेशल, क्योंकि मैंने नया घर लिया उसकी खुशी में। तो वेलकम टू माय होम, इंशाल्लाह मैं अपने घर जाऊंगी और मलिक साहब मेरे अपने घर में लेकर आएंगे तीन मंजिला केक, इंशाल्लाह तीन मंजिला घर होगा इंशाल्लाह। चम्मच ला और उसे चम्मच लाना। बहुत मजे का मलिक, बहुत मजे का पूरा। इंशाल्लाह मेरा अपना घर होगा, मेरा घर में आएगा तीन मंजिला केक मलिक। ओ इतना बड़ा चक तो किसी ने भी नहीं लगा। ये तुम्हारा पूरा काजो बेटे ऐसी को पूरा कर रहा है सबके ऊपर। हाँ वुमेन तू तो रसवा कर भाई इधर है। ओ, 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 कभी केक नहीं खाया।